Hello guys, welcome to my channel Himani Physics Tutorial. Now we are dealing with the next topic on the communication system unit, which is last unit of class 12th. The next topic is need of modulation, and this is a very important topic from exam point of view. This can be asked several time, like ठीक है. तो हमें नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देखने से पहले आप प्लीज मेरे इससे पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट वन है प्लीज विजिट दैट वीडियो आई हैव अपलोडेड. You can check out that video, then after that come to this video, because in that video I have described so many terms which you can understand easily. Like agar main wo terms yahan par use karungi to aapko thodi bahut problem ho sakti hai, to usse pehle aap please meri us video ko zarur dekhen, then after that come to this video. To yahan pe jo hamara topic hai wo hai need of modulation. तो सबसे पहले इसके अंडर में हम पढ़ेंगे साइज ऑफ एंटीना, कि हमें कितने साइज का एंटीना हमें यूज करना चाहिए किसी भी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है, लाइक हमने इसको समझने के लिए हम एज एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लो बेसबैंड सिग्नल हम यूज करते हैं, सॉरी कंसीडर अ बेसबैंड सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज. मान लीजिए उस सिग्नल की जो बेसबैंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज. ठीक है, और हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट सिग्नल, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हम यहाँ पे इस केस में लाइट के केस में अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो बस वैल्यूज पुट ऑन करते हैं हम, तो लैम्डा हमें कैसा निकालेंगे, सी हमें पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू हमने ऑलरेडी कंसिडर करा है 15 किलोहर्ट्ज, इसे हम हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे तो 15 × 10³ हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से लैम्डा हमारे से सॉल्व करके 0.2 × 10⁵ यहां पे हमारा आ जाएगा. तो लैम्डा हमारा आ गया, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हमारी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इट इज सेकेंड इनवर्ड्स. तो इसके हम यूनिट निकालना सीख रहे हैं, तो दीज टू विल बी कैंसिल आउट एंड वी लेफ्ट विद मीटर. तो ये यूनिट हमारी यहां से आई है. ठीक है, यूनिट निकालने का तरीका होता है आपको इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए, इसकी भी यूनिट पता होनी चाहिए, देन आफ्टर दैट आप किसी की भी यूनिट आउट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से हमारा जो लैम्डा है वो आया 2 × 10⁴ मीटर. ठीक है, देयर फोर लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड टू सेंड द सिग्नल इज, हमें पता है हमने इससे पहले हम वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा एल होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है. ठीक है, दो टाइप के एंटीने थे हमारे, एक हर्ज एंटीना था, ठीक है, और दूसरा हमारा जो था वो ये था कि एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4. ऑलराइट, 2 × 10⁴ क्योंकि ये जो था हमारा मार्कोनी एंटीना था, मार्कोनी ने ये दिया था जो रूल है. तो लैम्डा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, तो यहां से इतनी आई और 4 यहाँ पे ऐसे रहा, तो दिस टू विल बी कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद 0.5 × 10⁴ मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड टू सेंड अ सिग्नल. तो एल इज वॉट, इफ वी विल डू अ फेवर इन दैट, लाइक विल शिफ्ट दिस पॉइंट, देन दिस पावर, वन पावर विल बी लेस. So therefore we'll left with 5 × 10³ meter. So that is, this can be written as kilo. 10 to the power 3 is kilo. Okay. So therefore it is L is equals to 5 km. So this is the length of required antenna to send that much frequency signal. 15 kHz का जो signal है इसे भेजने के लिए, ठीक है, इस signal को भेजने के लिए हमारे antenna की length 5 km होनी चाहिए. ठीक है, इतना लंबा antenna, like ठीक है 5 km लंबा antenna. तो एंटीना ऑफ दिस साइज इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज इट इज 5 km. किलोमीटर इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो दिस टाइप ऑफ एंटीना इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट ऑल्सो. लाइक हाउ वी विल स्टैंड दैट, है ना, दैट एंटीना, हाउ वी विल स्टैंड दैट एंटीना इन अ एरिया. So this is impossible. So now consider a modulated signal. Modulated signal we have studied earlier, कि अगर कोई हमारी high जो हमारी वेव फ्रीक्वेंसी की हमारी कोई भी सिग्नल है और उसमें लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर सुपर इम्पोज होता है तो वही हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है. तो हमने क्या किया, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 MHz थी. ठीक है, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगेन वी विल डू द सेम, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू. तो लैम्डा यहां से हमारा इतना आ गया, मेगा होता है हमारा 10⁶. तो देयरफॉर लैम्डा इज 20 m. नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा इज रिड्यूस्ड. दैट टाइम okay, that was 2 × 10⁴, which is very large distance. All right, and again we are using the Marconi antenna rule, which says that lambda is equals to L is equals to length of antenna required is lambda by 4. Therefore, length of antenna required to send the signal of
how much frequency? 15 megahertz. So this will be lambda is 20. We get 20 from that formula, and 4, that is 5 meter. So this is possible to construct this much length antenna is possible to construct. All right. So hence we can conclude that the modulation reduces the antenna height up to great extent. देखिए वो कितना था हमारा 15 किलोमीटर सॉरी 5 किलोमीटर्स बट यहाँ पे ये हमारा 5 मीटर आया हुआ है तो यू कैन सी दैट डिफरेंस ऑफ मॉड्यूलेशन सो देयरफॉर दिस इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है ना टॉपिक ही हमारा ये था कि व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन बिकॉज मॉड्यूलेशन कैन रिड्यूस द एंटीना लेंथ और हाइट है ना अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन से इट अ लेंथ बट अगर हम इसे वर्टिकली स्टैंड करते हैं वी कैन कंक्लूड इट्स हाइट सो अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट द हाइट ऑफ एंटीना इज रिड्यूस्ड देयरफॉर लो बेस बैंड सीक्वेंस मतलब जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हम आसानी से सेंड कर सकते हैं सेकेंड इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है जैसे लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल्स होते हैं और सुपर इम्पोज विद ईच अदर इन अ मीडियम ठीक है सुपर इम्पोज हो जाते हैं किसी भी मीडियम पे जैसे आप देखेंगे कि पहले से आपने नोटिस किया होगा अगर आप ने ये चीज नोटिस की होगी लाइक अगर हमारे आसपास कोई दूसरा किसी का टीवी चल रहा होता था तो हमारे जो पहले से जो टीवीज होते थे उनपे डीडी नेशनल पे बाकी चैनल्स भी हल्के हल्के से दिखने लगते थे है ना तो वो क्या होता है कभी कभी लो फ्रीक्वेंसी के जो बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे पे ठीक है एंड देर इज नो वे टू सेपरेट देम तो ऑन द अदर हैंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर नॉट इजिली सुपर इम्पोज इन अ मीडियम एंड इफ दे सुपर इम्पोज दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर तो ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ अ सिग्नल इज गिवन बाय दिस इज द थर्ड वन ठीक है ये हमारा थर्ड वन है आप इसे बस नोट डाउन कर लीजिए कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में ये चीज हम देख सकते हैं ठीक है तो ट्रांसमिटिंग पावर सिग्नल किससे दिया जाता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सॉरी लेंथ ऑफ एंटीना अपॉन लैम्डा स्क्वायर तो लेंथ ऑफ एंटीना लैम्डा इज हमारा वेव लेंथ ऑफ दैट सिग्नल हो जाएगा ठीक है और लैम्डा हमारा वन अपॉन न्यू होता है हमें पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है तो बेस बैंड सिग्नल्स हैव लो फ्रीक्वेंसी दैट इज मोर वेवलेंथ ठीक है यू कैन राइट दीज नोट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आई हैव गॉट फ्रॉम माय टीचर दीज आर माय नोट्स फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड सो दीज आर दैट नोट्स बेस बैंड सिग्नल्स हैव लो फ्रीक्वेंसी दैट इज मोर वेवलेंथ ड्यू टू विच देयर ट्रांसमिशन पावर इज लेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे अनेबल टू ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस ठीक है दे आर अनेबल टू ट्रेवल large distance in a medium. On the other hand, carrier wave or modulated wave, जो भी हमारी modulated wave होती है उनकी frequency high होती है इसीलिए वो आसानी से हमारा क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पे easily वो travel कर लेती है वो distance जो होती है ठीक है तो that is less wavelength due to which the transmission power will become more as a result of which they can travel a large distance in a medium. ठीक है तो ये होता है हमारे modulation का बेनिफिट होता है इसलिए मॉड्यूलेशन किया जाता है किसी भी सिग्नल का अगर हमारा लो बेसमेंट सिग्नल है तो वो कुछ ही डिस्टेंस को कवर कर पाएगा बट वहीं पे जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी हमारी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है सो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज मॉड्यूलेटेड वेव्स ओके अब हम तब से मॉड्यूलेशन क्या है तो रहे हैं बट फिर भी काफी सारे डाउट्स ऐसे होते हैं कि मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आता है तो ओवरकम दैट डाउट्स लाइक वी कैन से सिंपली दैट मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या उनका फेज वो होते हैं इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो ये हमारी एक ऐसी डेफिनेशन है जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि डिफाइंड मॉड्यूलेशन आ गया ठीक है तो कैसे कैसे कर सकते हैं आप इट इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद अ लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारा मॉड्यूलेशन के अंडर पे वो है हमारा मॉड्यूलेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो सकता है फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो सकता है या उसके फेज का मॉड्यूलेशन हो सकता है ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट कम्स अंडर 5 मार्क्स सो अब इसे ध्यान से देखिएगा ठीक है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अगर हमारी कैरियर वेव है ठीक है उसका जो सिग्नल होगा उसके एम्पलीट्यूड में क्या होगा मॉड्यूलेशन होगा तो सिंपली आप इसे लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ठीक है आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं ये हमारा सिग्नल की वेवलेंथ है ठीक है This is the wavelength of the signal. तो ये हमारा क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यहाँ पे हमारा ठीक है
अब देखिए कैसे हमारा मॉड्यूलेशन होता है, इस पे क्या होगा, वो वेव आपने देखी, ये थी हमारी कैरियर वेव, ठीक है, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है, वो लो फ्रिक्वेंसी वाली थी और ये हमारी कैरियर वेव है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा, क्या होता है हमारा जो ये होती है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, ये सिर्फ इसी रेंज में हमारा क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन कैरी हो सकती है, ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस तरीके से इसमें मॉड्यूलेशन हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव होती है उसका फॉर्मूला होता है एम टी मॉड्यूलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गई हमारी ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, एम होगी मॉड्यूलेटिंग, ए एम होगी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओमेगा एम इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नाउ अब देख सकते हैं कैरियर वेव इज गिवन बाय जो सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम सी इसका टाइम का फंक्शन है जो हमारा कैरियर वेव है, तो ये हो गया ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय कैसे दी जाएगी, तो सी एम मॉड्यूलेटेड जो हमारी कैरियर वेव है, ठीक है, जो सबसे पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ये वाली जो इमेज थी ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दिखाई थी कैरियर वेव, ये दोनों हमारे आपस में सुपर इम्पोज हुई तो जाके हमारी ये वाली वेव आई, तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, ठीक है। तो ये अब ये क्या होगा, दिस विल बी द सम ऑफ कैरियर वेव प्लस दैट वेव मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है, तो कैरियर सिग्नल हमारा एसी प्लस माइनस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो एसी तो यहां से हमारा क्या कॉमन आया, एसी हमने कॉमन लिया तो दिस विल वन यहां पे बच जाएगा इसका, तो ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, तो ए सी वन प्लस माइनस दिस विल म्यू, ठीक है, म्यू साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, तो इस रेशियो को ना हम बोलते हैं म्यू, ठीक है, इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये रेशियो है हमारा इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, आगे में यहाँ पे भी है ये दे रखा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, तो वन प्लस माइनस इस हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, वेयर म्यू इज ए एम अपॉन ए सी, दिस इज रेशियो कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है, तो सी एम टी हमारा कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन है, जो सी एम टी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा कैरियर वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन। नाउ जो नेक्स्ट है इस पे हमारा, अब हमने मॉड्यूलेटेड वेव हमारी निकाल दी, बट उसका बैंडविड्थ अब हम कैसे देखेंगे, बैंडविड्थ इज उसकी विड्थ कितनी है उस हमारे वेव की, तो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एम वेव इज गिवन बाय एफ एस बी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस माइनस एफ एम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड इज एफ यू एस बी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लो साइड बैंड इज एफ एल एस बी लो साइड बैंड इज एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, तो देयरफॉर बैंडविड्थ क्या हो जाती है हमारी, एफ अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी लोअर साइड बैंड इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो दिस विल बिकम बैंडविड्थ इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ इन टू एम, मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी का टू टाइम बन जाएगा, ठीक है, एफ सी इज वॉट कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कैरियर जो थी हमारी वेव उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो इसे हम ब्लॉक डायग्राम से कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है एक हमारा, ठीक है, और ये हमारा बैंड पास फिल्टर है, यहाँ पे हमारी एएम वेव जा रही है, ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव जो होती है वो जा रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ही बात करें तो यहां से सी टी हमारा क्या होता है ए सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, यहाँ पे ये हो रही है और ये एम टी, दो वेव हमारी यहाँ पे एड ऑन होती है, फिर यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिवाइस हमारा लगा हुआ होता है, इनके बैंड पास फिल्टर से पास होती है, देन हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे होता है। नाउ अब हम बात करें हमारे डीमॉड्यूलेशन की, अभी तक हमने मॉड्यूलेशन की बात की, अब डीमॉड्यूलेशन हमारा क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होती है हमारी मॉड्यूलेशन की, विच इज परफॉर्म्ड एट द रिसीविंग एंड टू रिकवर द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि ये होती है हमारी एएम वेव, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई, रेक्टिफायर से पास हुई, देन एनवेलप डिटेक्टर होता है हमारा एक, वो फिर क्या करता है हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग को हमारा डिमॉड्यूलेट करता है, ठीक है, जैसे ये थी हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई, है ना, कुछ इस तरीके का ही डायग्राम था, देन उसके बाद यहां से हमारी सेपरेट हो गई ये वाली वेव और ये वाली वेव, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, अब ये जो टॉपिक है ये हमारा टाइप ऑफ वेव प्रोपगेशन, किस किस तरीके से हमारी वेव्स प्रोपगेट करती हैं,
पहला है हमारा सरफेस और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, दूसरा हमारा स्पेस और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, देन लास्ट है स्काई और आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन। ठीक है, कैसे कैसे हमारी वेव्स प्रोपगेट करती हैं। पहला हमारा सरफेस और ग्राउंड, तो सरफेस और ग्राउंड में क्या होता है, एक एंटीना इधर लगा हुआ होता है, एक एंटीना इधर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये अर्थ होता है, आपने देखा होगा काफी सारे घरों पे, सॉरी अपनी जगहों पे देखा होगा कि बड़ा सा एक पोल होता है, उस पर ग्राउंड किया जाता है एक वायर। तो यहां से देखिए ग्राउंड से जाता है, फिर वो अंडरग्राउंड होते 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 दूसरे एंटीने के छोर पर जाता है। देन आफ्टर दैट हाउ दीज सिग्नल्स आर वेरीड। ठीक है, इस तरीके से हमारा सरफेस और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है। ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारा रिसीविंग एंटीना है। तो उस टाइप के हमारे होता क्या है इसमें, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दिस मोड रेडियो वेव्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1710 किलोहर्ट्ज़ आर यूज्ड बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड्स। है ना, ग्राउंड हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर दूसरा हमारा स्काई और आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है हमारा, ये एक हमारी लेयर है आयनोस्फेयर, आपने सुना होगा बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी अर्थ में, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर, इस तरीके की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो आयनोस्फेयर में जो हमारा वेव प्रोपगेशन होता है, क्या होता है इसमें हमारा, ये एक एंटीना है, ये हमारे रिसीविंग एंटीनाज हैं, तो इसने सिग्नल दिए और इन्होंने सिग्नल रिसीव किए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स आर फर्स्ट सेंड टूवर्ड द आयनोस्फेयर। ठीक है, पहले आयनोस्फेयर की तरफ जाती है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले वो सेंड होती है, एस्केप होती है यहां से। देन आफ्टर दैट आयनोस्फेयर में पहुंचने के बाद जो आयनोस्फेयर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इन रेडियो वेव्स को बैक टूवर्ड द अर्थ स्टेशन। ठीक है, रिसीवर्स के पास ये रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1710 किलोहर्ट्ज़ टू 40 मेगाहर्ट्ज़ आर यूज्ड। ठीक है, सिंपली यहां से इधर हमने क्या किया, इतनी फ्रीक्वेंसी इसे दी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोला गया जिसे, और इसने आयनोस्फेयर में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स या जो भी कुछ होते हैं उन्होंने हमारी उसे रिफ्लेक्ट किया रिसीवर्स के पास। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा स्पेस और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ, देखिए इसमें क्या है, स्पेस टू स्पेस होता है। ठीक है, हवा में होता है जो कहते हैं, इधर TX हो गया, ये हमारा RX, दैट इज ट्रांसमिटिंग साइड, दिस इज रिसीवर साइड एंड दिस इज अर्थ, यहाँ पे हमारे एंटीनास लगे हुए हैं। तो इन दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन रेडियो वेव्स आर डायरेक्टली सेंड टूवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना। है ना, वो शॉर्टेज डिस्टेंस देखेगा कि कहाँ से पॉसिबली वो एक दूसरे से मतलब सिग्नल्स को सेंड कर सकें। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर इन द लाइन ऑफ साइट, इसको LOS बोला जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट पे होते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज LOS कम्युनिकेशन। कभी भी आपको ये वर्ड सुनाए दे तो दिस इज लाइन ऑफ साइट। इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 54 मेगाहर्ट्ज टू 4.2 गीगाहर्ट्ज आर यूज्ड। ऑलराइट, दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन अकर्स। देन आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ एंटीना हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, ओके, तो इन दिस फिगर आप देख सकते हैं, ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पे हमारा एंटीना है। ठीक है, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये कितनी पॉसिबल डिस्टेंस तक जो रिसीविंग जो सिग्नल्स हैं उनको हम इसकी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हमारा क्या ट्राइंगल बन रहा है, PQS। ठीक है, PQS हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो QS का यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल डेट P, तो इस पे हमारा हम लॉ लगा सकते हैं हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो देयरफोर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, PQS, ट्राइंगल PQS इज इक्वल्स टू QS का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही क्या, QS का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। तो QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ को हमने H कंसिडर कर रखा है, H स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमारी D कंसिडर करें, तो दिस इज D स्क्वायर। तो यहां से हमारा D स्क्वायर कितने डिस्टेंस तक ये हमारा क्या कर सकता है एंटीना, हमें अपनी कितनी एरिया ये कवर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस डी इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर। इस डी को हम इधर ले गए,
माइनस एच स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अगेन सिमिलरली हम इतनी ही पॉसिबल डायरेक्शन, इतनी ही डिस्टेंस हमने ये वाला चीज इधर कंसिडर किया. तो ट्राइंगल लिया क्यू ओ एस, अब ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, क्यू ओ एस ट्राइंगल लिया. तो इस पे हमारा क्यू ओ, जो क्यू ओ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है. फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम में तो शो नहीं हो रहा, बट ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है. तो यहां से हमारा क्यू ओ, क्यू ओ कितना आ रहा है हमारा एच प्लस आर, है ना. ये डिस्टेंस हमारी आर है, दिस इज आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का सेंटर है, ठीक है. तो आर तो एच, ठीक है, आर का स्क्वायर हो गया. और इधर ओ एस हमारा फिर से हमें पता है कि आर है, ये भी है ना, रेडियस ही तो है हर पॉसिबल. ओ से जितनी भी डिस्टेंस जाएगी वो अर्थ का रेडियस ही कहलाएगी. तो आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, तो यहां से हमने क्यू एस की वैल्यू निकाल ली. तो क्यू एस इज इक्वल टू एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू एच, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो ये दो कैंसिल हो गए हमारे. तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच आर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब इस क्यू एस की वैल्यू हमने इधर रखनी है, तो ठीक है. तो यहां से क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमने एच कॉमन लिए, तो एच इज इक्वल टू एच प्लस टू आर, ठीक है. तो यहां से हमारा, अब इस क्यू एस की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में रख ली, तो हमारा क्या आया, पुट क्यू एस इन वन, तो डी स्क्वायर, ठीक है. तो डी स्क्वायर हमारा कितना आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच आर माइनस एच स्क्वायर, दिस टू विल बी कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद डी स्क्वायर इक्वल टू टू एच आर, एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू आर एच, ठीक है. तो ये हमारा इतना आ गया. और एरिया कवर्ड कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एरिया क्या होता है स्फेयर का, पाई, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर. तो ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे आर, यहाँ पे डी लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, दिस इज डी. तो ए इक्वल टू पाई डी, कितना है हमारा रूट टू आर एच, तो ए इक्वल टू टू पाई आर एच, यहां से हमारा एरिया कवर्ड आ गया, ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारी पॉपुलेशन कवर्ड. पॉपुलेशन कवर्ड निकलती है एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर एच जी ग्राउंड वाला प्लस टू आर एच टी ट्रांसमिटेड, ठीक है. तो ये था हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, एंड दिस यूनिट इज फिनिश्ड. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन से जरूर पूछो. और आप इससे पहले अगर आपने ये वीडियो देख ली और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो आप प्लीज उसे जरूर मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है. ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज हेल्प करें मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो ला सकूं. थैंक यू.